भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा इथेनॉल प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये एक ऐसा उत्पाद है जो भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% तक मिश्रित करके पेट्रोल पंपों के माध्यम से बिक्री किया जाता है। इथेनॉल के मिश्रण से पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है और भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। झारखंड के धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और रामगढ़ में कुल 5 इथेनॉल प्लांट लगाने को सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन धनबाद के गोविंदपुर परासी गांव में लगाए जा रहे इथेनॉल प्लांट का स्थानीय नेताओं और कुछ ग्रामीण ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि यहां शराब की फैक्ट्री लगाई जा रही है। वहीं प्लांट के निदेशक कमल कुमार सिंह ने इथेनॉल प्लांट के विरोध में दिए जा रहे तर्कों को अनुचित बताया। इस संबंध में उनसे बात की हमारे धनबाद सहयोगी राजकुमार जायसवाल ने। भारत सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री में, खासकर डीजल और पेट्रोल के बिक्री के दौरान इथेनॉल को मिलाने की इजाज़त दे दी है और इसके तहत झारखंड में भी कई जगहों पर प्लांट स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में ही धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के परासी में एक प्लांट स्थापित हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा और कुछ स्थानीय जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके द्वारा विरोध देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर सीधे जो उसके निदेशक हैं उनसे बात करते हैं। कमल जी, बताइए कि किस तरह का यह प्लांट है और विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये प्लांट बेसिकली इथेनॉल बनाने के लिए है और इसका विरोध आसपास के किसी ग्रामीण के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कुछ दूरी पर कुछ छोटे या नेता किसी कारण से, जिनका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, वो लोग अपने किसी कारण से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि यह इथेनॉल जो है वो इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए नहीं बन रहा है, ये एक शराब का कारखाना बन रहा है। तो इस तरह करके लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं या उनको कह सकते हैं कि एक फूल बनाने का काम वो कर रहे हैं और इसके पीछे वैसे नेताओं का अपना एक इंटरेस्ट है। बड़े नेता या फिर वैसे जो पढ़े लिखे नेता हैं जो विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं, सब कोई जान रहे हैं कि इथेनॉल क्या है और उनका कहीं कोई विरोध नहीं है। एक चीज बिल्कुल शॉर्ट में बताएं कि ये इथेनॉल का प्रोसेसिंग आप लोग किस तरह से करेंगे और उसमें कहीं भी स्प्रिट का इस्तेमाल होगा क्या या होता है क्या? देखिए, स्पिरिट एक पोर्टेबल स्पिरिट होता है और एक नॉन पोर्टेबल स्पिरिट होता है। तो पोर्टेबल स्पिरिट जो पिया जाए वो एक अलग चीज़ है और जो ना पिया जाए वो एक अलग चीज़ है। तो ये नहीं पीने वाला चीज़ है जो कि डीनेचर्ड एनहाइड्रस स्पिरिट है, एक तरह का वो इथेनॉल है। इसका काम सिर्फ पेट्रोल और डीजल में ब्लेंडिंग का है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत इच्छुक है और हमारा राज्य सरकार भी इसके ऐसे प्लांटों के लगाने के लिए बहुत अपना सहयोग दे रहा है और बहुत उत्साहित कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा और इसके अलावा इसके जो वेस्ट होंगे उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा? इसमें स्थानीय लोगों का रोजगार किसी भी औद्योगिक परिसर में एक प्रत्यक्ष रोजगार होता है और अप्रत्यक्ष रोजगार होता है। तो इसमें करीब 150 आदमियों का प्रत्यक्ष रोजगार होगा और करीब 150 आदमियों का अप्रत्यक्ष रोजगार होगा, जो कि उन लोगों का प्रभावित होंगे और लाभान्वित भी होंगे। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने में कुछ घपला किया गया, इसमें भी कोई सच्चाई है क्या? देखिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का एक अपना नियमावली है, उस नियमावली के आधार पर ही कोई आदमी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले सकता है। अब ऐसे नेता जिनका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, वो दूसरे तरीके के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और इस तरह की बातें करते हैं जो कि जिसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। एक चीज़ और, जो भी हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और जो स्थानीय परासी के जो आसपास के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करना है, जो कि मेरा अनुरोध है, कि ऐसे लोगों के भ्रमित करने वाले वक्तव्य पर बिल्कुल विचार न करें। ये उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है और
ऐसा कोई काम वो नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आपकी भलाई हो सके। हम लोगों को चीज समझना है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो फायदा हो सकता है उससे जुड़ना है, कहे कि कहीं कोई इसमें किसी की हानि नहीं होनी है, सबका लाभ ही होना है। तो ये थे कमल सिंह। इन्होंने अभी सबसे बड़ी बात यह कही है कि स्थानीय लोगों को ऐसे चालबाज नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है और इस प्लांट के खुलने से आसपास के सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और न सिर्फ एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा बल्कि पशु आहार भी, उसका जो अपशिष्ट है वो पशु आहार के रूप में इस्तेमाल उसका किया जा सकेगा और उसका भी मार्केट में बहुत डिमांड है। बहरहाल देखना यह होगा कि आगे स्थानीय लोगों का क्या कुछ रुख होता है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।